everyone, this is Maryam Murtaza from NJ Digital TV. Welcome to my show Face to Face with Maryam. इसमें हम आपको every week एक new face से मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपनी life में क्या कर रहे हैं, उनके क्या projects हैं, वो क्या कर चुके हैं. तो आप सब मेरा show ज़रूर देखिएगा. इसमें आपको further बहुत कुछ information मिलेगी मेरे साथ. और इस time हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी personality मौजूद हैं. तो हम इनसे इन्हें बुलाते हैं, इनका वेलकम करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं. ये कैराब्रम इवेंट जो हम सबको पता है बहुत अमेजिंग होता है, उसके वॉइस प्रेसिडेंट हैं और इनका नाम है इमरान नूर. सो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इमरान नूर. थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम मरियम. थैंक यू सो मच फॉर वेलकम टू माय शो. थैंक यू जी. तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. तो क्या आप मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कैराब्रम जो है वो लाइक क्या कॉन्सेप्ट है उसका? कैराब्रम ब्रैम्पटन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ पिछले 40 साल से अपना कल्चर प्रेजेंट करते हैं. तो उसमें पाकिस्तान पहले नहीं था. तो लास्ट ईयर मैं पंजाब पवेलियन का पार्ट था. आई वॉज एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ पंजाब पवेलियन, बट आई वॉज अ पार्ट. तो हम लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान की बड़ी कमी महसूस की. हम लोगों ने सोचा कि ब्रैम्पटन में इतने पाकिस्तानी रहते हैं, मिसिसागा में, टोरंटो में, ओवरऑल कनाडा में. तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई, लेट्स गो टू देम, लेट्स टॉक टू देम एंड लेट्स सी इफ इफ दे अलाउ अस. और हम लोग उसके बाद कैराब्रम की मैनेजमेंट के पास गए. दोज गाइज आर अमेजिंगली वेलकम, सो नाइस पीपल. उन लोगों ने फिर हमने बताया कि हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का कल्चर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. तो उन्होंने हमें अलाउ किया और नाउ वी आर डूइंग दैट कैराब्रम. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अलाउ किया. तो अभी कैराब्रम में आप लाइक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो इसमें क्या कुछ है? इसमें बहुत कुछ है. इसमें आपके व्यूवर्स के लिए मैं कहूँगा कि आपको पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से दूर आपको पाकिस्तान नज़र आएगा इंशाल्लाह. आपको वहाँ पे बलूचिस्तान नज़र आएगा, आपको वहाँ पे सिंध, पंजाब, सरहद, आपको कश्मीर वहाँ पे नज़र आएगा. तो वहाँ पे हम अपना सारा कल्चर प्रेजेंट करेंगे, हमारी वेडिंग्स होंगी, हमारा जिस जिस प्रोविंस का हमारा जो कल्चर है जहाँ तक हम कर सकते हैं. तो we'll do our best to present our culture. Very nice, very nice. और इसमें सभी provinces हैं पाकिस्तान की, which is very good. तो अभी आप पंजाब को या किसको ज़्यादा दिखा रहे हैं अपने इसमें कैराब्रम में? कैराब्रम में हम पंजाब को बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि पंजाब, we have a Punjab pavilion, separate Punjab pavilion. Indian side का जो पंजाब है और जो पाकिस्तानी side का पंजाब है, जैसे मैंने आपको बताया कि last year में उसका part था, तो वो इस साल भी हो रहा है. तो वो तो उसे वैसे ही present कर ही रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी होगा वहाँ पे. तो इसलिए हमारा फोकस ज़्यादा बाकी तीन प्रोविंसेस पे और कश्मीर पे होगा. बट स्टिल पंजाब का बड़ा रिच कल्चर है, तो वो भी होगा हमारे पाकिस्तान पवेलियन में भी होगा. और वो सेपरेट भी लास्ट ईयर इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल पवेलियन, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्चुअली, बिकॉज इट वाज Indian side and Pakistani side were presenting together. So हमारी side को तो इतना problem नहीं था, लेकिन दूसरी side को problem था. Even consulate was involved on that. But अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत अच्छे तरीके से हमने last year भी किया और इस साल भी करेंगे. Very nice. तो last year का experience कैसा था आपका? लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. इसीलिए फिर इस साल हमने कहा कि इस साल हम उससे भी दो कदम आगे जाके पाकिस्तान को लेकर आएँ. तब तो सिर्फ हमारा एक प्रोविंस था, तो इस साल तो पूरा कंट्री है. तो बहुत अच्छी यादें एंड इवन आई वाज इन प्रोडक्शन, तो हमने उसकी पूरी तीन दिन की वीडियोज़ बनाई एंड ऑल दैट. और उसके बाद उन सब की एडिटिंग वगैरह भी की. तो हमने तो बड़ा डीपली जाके उसको करीब से देखा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ. स्पेशली जब आप एडिटिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि कैसा कैसा रहा सारा. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत यादगार एक्सपीरियंस रहा. बिल्कुल. तो व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं हमारे साथ मिस्टर इमरान नूर इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर का भी. और इस साल जो इनका इवेंट होने वाला है वो प्लीज़ आप बताइए कि किस डेट को और किस डे पे आ रहा है. वो नेक्स्ट वीकेंड पे है, 13, 14, 15. और 500 रेलासन बुलेवार्ड उसका एड्रेस है. और
तीन दिन ये नॉन स्टॉप यू कैन से एक जो मैराथन एंटरटेनमेंट होगी जो नॉन स्टॉप चलेगी तीन दिनों तक और 13, 14, 15 को हम लोग वहाँ पे थ्री डेज के लिए। अच्छा, वहाँ पे क्या क्या कुछ होता है? लाइक मुझे तो पता है, मैंने तो अटेंड किया हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं उनको भी थोड़ा पता लगे कि मतलब वहाँ पे क्या क्या कुछ चल रहा होता है। इसका इंडिया भी है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा जिस जगह पे आ रहा, इंडिया भी है, पंजाब भी है और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 20-25 कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो सारे एक ही जगह पे नहीं हैं। जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे 4-5 और कंट्रीज़ भी हैं। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो ब्रैम्पटन में तो हैं लेकिन एक जगह पे नहीं हैं। तो हमारे साथ 4-5-6 और कंट्रीज़ भी हैं। वहाँ पे होता है ऐसे, जो हमने प्लान आउट किया है कि हमारा अपने नेशनल एंथम के साथ पाकिस्तान के हमारे जो कौंसलर जनरल इमरान सिद्दीकी साहब, वो उसको ओपन करेंगे, हम अपने नेशनल एंथम के साथ उसको ओपन करेंगे। एंड देन वी हैव एन अमेजिंग बैंड। हमारे अली नूर साहब हैं जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे सिंगर हैं यहाँ पे कनाडा में, तो वो हमें वहाँ पे स्टार्ट देंगे। एंड देन वील हैव अ लॉट ऑफ कल्चरल स्टफ़ टू प्रेजेंट हमारा पहले दिन से। और उसके बाद एक्चुअली मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ, मैं चाहूँगा कि लोग आएँ और आकर देखें। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वहाँ पर इस तरह से नेशनल एंथम से स्टार्ट होगा और ये इतना अच्छा लगता है देखने में भी कि जब नेशनल एंथम प्ले होता है जगह पे, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। दैट्स ट्रू, राइट? तो अली नूर का जिस तरह आप बता रहे हैं कि मिस्टर अली नूर आपका वहाँ पे प्ले करेंगे म्यूजिक और वो सब कुछ, तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊँ कि वो भी आज हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जो मिस्टर इमरान नूर हैं, ये पॉलिटिक्स में भी मैंने सुना है बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा हमें पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाहेंगे? फॉर श्योर। और आप मुझसे अगर पूछें कि आप क्या सुनना चाहती हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसे मैंने सुना कि आपकी वाइफ भी बहुत लिंक्ड हैं पॉलिटिक्स से। जी, वो किसको सपोर्ट कर रही हैं? मेरी वाइफ जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर की। अच्छा। और वो पीटीआई इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। और हम लोग पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हमारा ताल्लुक था हमेशा से, लेकिन जैसे ही पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर के अंदर कदम रखा तो हम लोगों ने समझा कि अब इसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहने की कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि इमरान खान यहाँ पे आ चुके। और इमरान खान को सपोर्ट करना, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी कश्मीरी और वो पाकिस्तानी कश्मीरी जो दूर अंदेश हो, जो समझता हो कि पाकिस्तान के लिए हमें कुछ करना चाहिए, अपना इनपुट देना चाहिए, तो वो इमरान खान के साथ है और होना चाहिए। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हमने फ़ौरन पीटीआई को ज्वाइन किया और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं आप। ओके, तो मुझे बताएं कि आप इंडस्ट्री से भी लिंक्ड हैं, लाइक आप उसका भी शौक रखते हैं? फिल्म इंडस्ट्री, जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मेरे तकरीबन 15-16 ईयर्स के एजुकेशनल गैप के बाद जब मेरा बेटा 14-15 साल का है, तो मुझे फिर दिल चाहा कि मैं फिर से पढ़ाई करूं। मैं और मैंने लेट 90s में कराची से मैंने बीकॉम किया और मैंने अभी 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ टोरंटो फिल्म स्कूल से फिल्म प्रोडक्शन में। तो जी बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है और मुझे फिल्म मेकिंग बहुत अच्छी लगती है। और मेरे बहुत इरादा है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के इंशाल्लाह उसको ऊपर ले जाने में हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह। और मुझे ऐसे लगता है कि बड़े अच्छे टाइम पे मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, कज़ वो तो ऐसे लग रहा था कि ये बेड़ा हम ही अपने सर उठाएंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, कज़ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी टेकअप कर चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैंने भी अब जितनी भी फिल्म्स आ रही हैं हमारी पाकिस्तानी, इवन कनाडा में भी इसकी बहुत प्रमोशन हो रहा है। कनाडा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का कैपिटल होगा, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर आ चुकी है और मज़ीद सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह के प्रीमियर्स हो रहे हैं और जिस तरह की सारे लोग यहाँ पे गुल मिल गए हैं, ऐसे लग रहा है कि फैमिली है सारी इंडस्ट्री। और बहुत अच्छा लगता है उनको यहाँ पे मिलके, उनको देख के। तो अगर आपने फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो आप कैसे उसको ज्वाइन करना चाहेंगे, लाइक क्या उसमें रोल प्ले करना चाहेंगे?
मैंने जो किया है अभी तक, जो मैंने स्कूल से सीखा है, वो मैंने फिल्म प्रोडक्शन किया है. सो आई नो लाइक अ लॉट अबाउट फिल्म्स, हाउ टू डायरेक्ट अ फिल्म, हाउ टू एडिट अ फिल्म, हाउ टू राइट, कुछ भी फिल्म से रिलेटेड है तो वो सारा ही सीखा है. लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूँ. फिल्म डायरेक्टर आप बनना चाहते हैं? तो अनम आज हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके, वो भी प्रेसिडेंट हैं, तो उनके बारे में आप बताइए कि वो और आप मिलके कैराब्रम में क्या क्या कुछ लाइक फर्दर कर रहे हैं और अगले आने वाले सालों में करना चाहेंगे. अच्छा, मैं बताऊँ आपको कि अनम ये सारी चीज़ उसी ने इनिशिएट की और उन्होंने ये कहा कि यार वाई नॉट वी शुड ट्राई एट लीस्ट लेट्स गो, एंड आई एम लाइक ओके नो प्रॉब्लम लेट्स डू दैट. तो मैं क्रेडिट उन्हीं को ही देता हूँ, एंड दैट वाज द रीज़न दैट आई सजेस्टेड ओके यू शुड बी अ प्रेसिडेंट फॉर दिस. तो उन्होंने बात की, पहले उन्होंने ईमेल्स किए, उसके बाद हम लोग गए. तो अब बिल्कुल पाकिस्तानी पवेलियन वहाँ पे है, रजिस्टर्ड है, काराब्राम की वेबसाइट पे होने जा रहा है. और अगेन मैं कहूँगा कि बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए, वहाँ पे आएँ, काराब्राम को ज्वाइन करें. और ना सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पे अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, या मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए आएँ. पाकिस्तान पहली दफ़ा ब्रैम्पटन के अंदर अपने कल्चर को, पाकिस्तान को कोई वहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा है, तो अगर वहाँ पे पाकिस्तानीज नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? तो पाकिस्तानी, और आई एम श्योर कि जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी तो ऐसी कौम है दुनिया के अंदर कि मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि मुल्क को लेकर के हमारे ऐसे जज्बात हैं. तो मुझे पता है कि वो बहुत सक्सेसफुल होने जा रहा है, कामयाब होने जा रहा है. जी, तो मुझे बताइए ये ब्रैम्पटन में फर्स्ट टाइम हो रहा है? जी, पिछले 40 ईयर से काराब्राम होता चला आ रहा है, लेकिन ब्रैम्पटन में पाकिस्तान पवेलियन नहीं था. हालांकि जैसे कारा सागा होता है मिसिसागा के अंदर, तो हमेशा से पाकिस्तान उसका एक सॉलिड पार्ट है, लेकिन ब्रैम्पटन के अंदर नहीं था. एंड आई नेवर न्यू अबाउट दैट टू, मुझे भी लास्ट ईयर ही पता चला कि हम लोग इसका पार्ट नहीं हैं. तो हम हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे, इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेंगे. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस टाइम बातचीत करके, कैराब्राम के बारे में जान के और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके. तो आप सब भी ज्वाइन कीजिएगा इनको कैराब्राम में. तो एक बार आप इस एड्रेस रिपीट कर दीजिए. ये 500 रेलासन बुलेवार्ड पे है. आपको $10 का इसका टिकट खरीदना पड़ेगा और 3 दिन तक ये टिकट आपका वैलिड होगा. वहाँ पे आपको फूड की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, वहाँ पे आपके लिए आपकी शॉपिंग के लिए बहुत बड़ी वैरायटी होगी, आपकी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे इंतजाम आते हैं. तो इसमें शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और किड्स के लिए भी कुछ है? किड्स के लिए भी बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा किड्स के लिए बहुत ज़्यादा है. तो फॉर श्योर फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपनी पूरी पूरी वीकेंड होगा और अपने बच्चों को लेकर आए. और अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि वीकेंड है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर ज़्यादातर यही होता है मुझे भी और सबको कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, कैसे अपना टाइम अच्छे से स्पेंड किया जाए. तो आपने डेट बताई 13, 14 एंड 15. इस पे आप सब जरूर आइए कैराब्राम में. और ये अभी आपको इन्होंने एड्रेस भी बता दिया मिस्टर इमरान नूर ने कि कहाँ पे हो रहा है और इसकी टाइमिंग्स क्या है. ये फ्राइडे को स्टार्ट होगा शाम को 3 बजे, एंड इट गो संडे को रात को ये 10 बजे तक होगा. तो उस बीच में जब भी आपको टाइम मिले, आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आएँ, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को वहाँ पे आएँ और आके पाकिस्तानी पवेलियन का पार्ट बने. पाकिस्तान का पार्ट बने. $10 इज सो चीप फॉर दिस इवेंट, ट्रस्ट मी गाइस. और ये 3 डेज का हो रहा है और 3 डेज आपका एक दफ़ा का बाय किया हुआ पास जो है वो वैलिड रहेगा. अगर ये मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि अगर इस एंटरटेनमेंट, जितनी बड़ी एंटरटेनमेंट है वहाँ पे, उसके लिए अगर ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज ना करती हो तो ये टिकट $50 का ख़रीदना पड़ेगा हमें. लेकिन सिंस वो सारा गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया हुआ है, तो फिर लोगों पे नहीं है बर्डन, आपको कुछ इतने पैसे देने नहीं पड़े, जस्ट $10 आपको देने अपने अंदर आना है. ये एग्जैक्टली. तो बच्चों के लिए क्या है, लाइक बच्चों के लिए राइड्स हैं वहाँ पे बार. इस दफ़ा तो बच्चों के लिए और भी ज़्यादा है. अच्छा. और इवन बच्चों के स्किट्स हैं, जो परफॉर्मेंसेज हैं उसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. तो बच्चों के लिए बहुत फन है, बच्चों के लिए बहुत मज़े मज़े के खाने हैं, फूड है, गेम्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, बच्चों के लिए तो ज़्यादा है. तो मुझे बता
इसकी टिकट कितने की है बच्चों के लिए? सबके लिए $10 की है। सबके लिए $10 की, वेरी नाइस। और जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पे फूड का बहुत बड़ा सिस्टम है, वहाँ पे म्यूजिक भी है जिसमें अली नूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आई एम बिग फैन ऑफ हिज म्यूजिक। तो इसके अलावा वहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स, बच्चों के लिए बहुत फन है। तो आप सब अपना वीकेंड इधर बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट में गाइस स्पेंड कर सकते हैं। इवन जो आपका लास्ट ईयर का हुआ था उसका अभी तक मेरी फ्रेंड्स बात करती हैं कि बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसमें भी बहुत इन्जॉय किया। उसमें भी सारे पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब साथ था, तो वो फिर सारे पाकिस्तानी एंड इंडियन एंड ऑल दैट वो एक साथ परफॉर्म कर रहे थे और सारे वहाँ पे, तो बहुत यादगार रहा वो भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप अभी हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके व्यूअर्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान में, प्लीज़ गो आउट, सपोर्ट इमरान खान, सपोर्ट पीटीआई। लगता है आप पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान पॉलिटिक्स को कनाडा में इतना मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ जाएं इमरान खान को वोट करें। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आप मैसेज, राइट? तो मैसेज क्या कि वो एक आप के आपको बारे में आप क्या फर्दर लाइक बोलना चाहेंगे लोगों को? जैसे आपने बताया टाइमिंग्स तो ये हैं, 3 o'clock से ये स्टार्ट हो जाएगा दोपहर के टाइम और रात को 10 बजे तक, संडे को 10 बजे तक, ठीक है? और सैटरडे और फ्राइडे की भी सेम टाइमिंग्स है? फ्राइडे को नहीं, फिर वो चलता रहेगा, राइट? वो चलता रहेगा, अगले दिन सुबह 10 बजे वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, रात के तक चलेगा, एंड देन तो 3 दिन ये चलता रहेगा। फ्राइडे को 3 बजे स्टार्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो इसमें आपको जो है कैरा ब्रह्म में लास्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस था? आप जैसे आपने बताया कि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, राइट? तो उसमें आपको कुछ लर्न करने को भी मिला होगा? मुझे लर्न करने को भी मिला, मुझे लर्न करने को, अच्छा मैं आपको फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ लास्ट ईयर की, जो बहुत फ़नी ये हुआ कि लास्ट ईयर जब हमने कैरा ब्रह्म किया पंजाब पवेलियन, दैट वॉज इन पाकिस्तान पवेलियन, दैट वॉज जस्ट पंजाब पवेलियन, तो मैं जब पंजाब पवेलियन में गया तो सिंस वो इंडिया और पाकिस्तान साथ में कर रहे थे तो कॉन्ट्रोवर्सी भी थी, जैसे मैंने आपको बताया थोड़े और प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, और मेरी इंटेंशन थी कि पाकिस्तानी पंजाब की प्रेजेंस भी अगर ज़्यादा ना हो तो एटलीस्ट इक्वली होनी चाहिए उसके अंदर, तो उसको लेकर के, एंड आई वाज एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ दैट, आई वाज पेड पार्ट, तो मुझे उन्होंने हायर करा हुआ था, तो आप उस तरह से फिर इन्फ्लुएंस भी नहीं रखते जब आप पेड हैं वहाँ पे, बट स्टिल एज अगेन के जो पाकिस्तानी और कहीं पाकिस्तान है तो फिर वो है, डजेंट मैटर वट एवर इज़ दैट यू आर पेड और वॉट। तो वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे ये पंजाब पवेलियन था और साइड में इंडियन पवेलियन भी कहीं था, जो मुझे पता नहीं था कि इधर इंडियन पवेलियन भी है। तो जब हमने फ्राइडे की नाइट को इसी तरह स्टार्ट किया तो रात को 11-12 बजे जब मैं बाहर गया, मैंने कोई दोस्तों को अलविदा किया और मैं वापस अंदर आया, तो आधे पौने घंटे बाद मैं जब वापस अंदर आया तो वहाँ पे सारे सिर्फ इंडिया के झंडे और इंडियन चीज़ें, वो मंदिर आती है वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान है ही नहीं कि ये कैसा, मतलब इन लोगों ने क्या किया है। तो मैंने कहा ओके, अब मैंने क्या किया कि मैंने कॉल्स करना शुरू की लोगों को और मैंने कहा यार वो तो उन लोगों ने सारा, वहाँ पे तो सिर्फ इंडिया ही नज़र आ रहा है, तो वहाँ ये कैसा पंजाब है कि जिसमें सिर्फ इंडिया ही है, पाकिस्तान तो वहाँ पे कहीं नहीं है। तो जो मैनेजमेंट थी उनको भी हो, उन्होंने कहा यार ऐसे मतलब रातों रात उन्होंने कैसे कर लिया, तो सुबह सवेरे सवेरे हमारे लोग वहाँ पर गए और उन्होंने जाके मुझे कॉल की, कहते यार इमरान वहाँ पर सिर्फ एक झंडा है और वो भी पाकिस्तान का है किसी स्टॉल पर, वहाँ पर तो कोई भी इंडिया का कुछ भी नहीं है, आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा नहीं यार, मैंने रात को अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नज़र आ रहा था, तो शायद उन्होंने चेंज कर लिया हो। उन्होंने कहा अच्छा यार आप आओ तो आके मिलना था। जब मैं गया तो मुझे पता चला नहीं, मैं रात को इंडियन पवेलियन देख कर गया हूँ वो साथ में कहीं। तो ये एक वहाँ पे मेरी बड़ी यादगार रही वो गलत पवेलियन में जाने की वजह से। तो इस बार आप पहले सोच के जाइएगा, देख के जाइएगा कि हमारी पाकिस्तानी पवेलियन कौन सी है, ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन ना हो। तो लास्ट ईयर एक्सपीरियंस से आपने ये लर्न किया है? ये मैंने लर्न किया है और कंप्लेन गलत नहीं करनी। एग्जैक्टली जी। तो अभी हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे और उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे। हमारे साथ एक और भी हमारे गेस्ट होंगे जो कि ऑल्सो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें कैरा ब्रह्म में और बहुत ही फेमस हैं, हमें उनके साथ बहुत मजा आएगा बातचीत करके। तो फिर मिलते हैं हम सब एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
Toronto. Get ready to be a part of the greatest, the magical, the glamorous, the most anticipated awards of the year. Six Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. For sponsorship, contact DML. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable, Alam Law. Hello everyone, welcome back after the short break. So, हमारे साथ Mr. Imran Noor मौजूद थे, जो कि President, Vice President हैं Karabram के. उन्होंने हमें बताया कि what's Karabram, उसका concept क्या है, वो कब हो रहा है, जो कि हर साल होता है और बहुत ही amazing होता है, right? तो अभी हम लोगों को वो बता रहे थे कि Karabram किस date को आ रहा है, क्या timings हैं उसकी और सारी detail. तो अभी हमारे साथ एक new face है, face to face with Maryam ने, जिनको हम hello बोलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सलाम मरियम. इनका नाम है मिस्टर अली नूर और ये टोरंटो बेस्ड म्यूजिशियन एंड सिंगर हैं. अभी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी सिंगिंग भी करवाएं इनसे. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन मैम. बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर शो एज वेल ऑन एनजे डिजिटल. थैंक यू सो मच. आप जरा बताइए कि क्या आप कर रहे हैं आजकल. मैं आजकल क्या कर रहा हूँ तो राइट नाउ आई विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग एंड एज आई एम बीइंग इंटरव्यूड बाय मरियम एट एनजे डिजिटल. सो अगेन इमरान नूर साहब लोगों की बात हुई, उनसे मुलाकात मेरी एक्चुअली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुई एंड वी बॉन्डेड सो वेल. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट वी बोथ हैव आवर लास्ट नेम बट वी हैव आवर जॉइंट एफर्ट इन ब्रिंगिंग Karabram व्हिच इज ए 3-डे इवेंट. वी ऑफ कोर्स टॉक्ड इन डिटेल अबाउट Karabram. तो अभी फोकस सब उस शो पे. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट शो. To represent Pakistan, to bring in Pakistani music, right. And to engage with our audience. I think jo aajkal hamara ho raha hai wo zyadatar ye hai ki we're trying to come up with the best strategy to bring the best entertainment in the we have a limited time but just jitna hum log kar sakte hain, you know, bring as much as energy as we can and that's our focus on what we're looking for. So is it the very first time ki aap isme participate kar rahe hain Karabram mein ya pehle bhi kar chuke hain? Well for as far as Karabram goes it's my first time. I performed in Karasaga before but I believe this is actually the very first time ki Pakistani Pavilion is presenting with on Karabram. So you know I'm making my debut along with the Pakistani Pavilion itself. So I Pakistani Pavilion bhi apna debut kar raha aur main bhi saath saath hi kar raha hu to it's an amazing you know hopefully you know many many years down the road this is something we look back at so and so I'm excited. Any band before? I think that's the pretty much story of every Pakistani singer ke you know we have to have a band and then band toota hai and then musician banta hai. But yeah, I think within our blood Pakistani blood we all love to do music. It's in us. Everybody is a musician, I believe, you know, anybody can hold a mic as a singer. So I started my journey back in Dubai. I did have a band back in high school, you know. It was one of those things, jab aap TV pe dekhte ho, you get inspired and you want to do music, you start playing music, you start enrolling in classes. So slowly, slowly, karte karte, you find people who are like-minded and then you form a band and you do band music. So I definitely went through that when I moved to Canada around, I want to say 05, 06. So it was basically a reset for me and then I realized ke, you know, the main aspects the about doing music, you know, being the lead singer, composing my music, just having a different concept of music. So maybe it was about time and the people who were there around there inspired me to maybe just give it a shot and try to maybe take a solo approach. So I definitely did have the band and went through the whole phase of band breakup. We were not so popular commercial that we would be known ke hamara breakup kya tha, but absolutely it was a fantastic time and no regret for anything that has taken place very so far. Nice, very nice. So what's your next step? So the next step is determined by the current step. And like I said, the current step is to engage with new audiences. It's an amazing, amazing feeling to
to meet new people, to engage with new people, to introduce your music to new people. So the next step, what I'm working right now and is pretty much finalized, is that I'm working on my first solo album. It's called Nazrein. Oh, nice. Yeah, so thank you very much. We'll see, you know, jab release ke baad, you know, patthar uthar nahi pad raha, to uske baad, you know, I think it should be good, but it's a journey for me. It's my music, all of them are my compositions. It's basically all journeys. These are all songs, you know, which have taken maybe 10, 15 years, different moments, different stages of life that I may have gone through, and each song represents something. So it's an amazing, I'm working with Rahat Mushfiq. Oh, nice. He's been my own sister's Sanam Noor, shout out to her. She's been the one who's composed a lot of those lyrics. I had a lot of ideas, but she put good wordings around it for all the trouble that I've given her. So that's something which, inshallah, I'm hoping by the end of this month, or if not early next month, that will be released. And that is basically what my all focus is on right now. Okay, so what's the name of your album? The album is, so again, it was very tough because I wanted to name the, name the album based on one of the songs. Doesn't mean one song is favorite over the other, but I've gone with Nazrein, as that's one of the songs that I've done, is released. It has a video as well. Be sure to go online, YouTube, Ali Noor Nazrein, N-A-Z-R-E-I-N, and hopefully we'll have a picture up front any moment at this time. But that's the name of the album, and like I said, inshallah, by the end of this month, inshallah, or early August, it will be released. It has a total of 12 songs, 10 originals, with two will be basically remixes of the other songs. So okay, looking forward to it, and looking forward to the remix feedback. Remix jo hai wo waise hi bahut acha lagta hai, even old songs ka bhi aur sara. Mm-hmm. To mujhe aap bataye ki what's your favorite song in your album? Again, it's like picking your favorite child, to be honest. So it's a tough, although every parent has that favorite, they never want to admit it, but yeah, but it's like out of your song, it's choosing, you know, your favorite child. But I'd say it's hard. I think listen to all the songs. All, like I said, all the songs are close to me. They represent different segments, different moods. Main koi different favorite ho jata hai. So I'm gonna pitch all of my favorite, and hopefully when the audience listens to them, they enjoy all of them. And I hope a lot of them will be for each their own. Har ek gaane ki har ek style hai, a different mood hai. So it could. I just hope that all of those songs are favorites of someone somewhere. I think okay, that to me would so be in the most. आपने एक हमें नहीं बताया, right? कि कौन सा song आपका favorite है, जो हम पूछना चाह रहे थे, तो अभी आप नहीं बता रहे. एक song जो दोनों, it's okay. How about this way? I'll put it as of this moment. As of this moment, my song is Bekarar. That's the song that I composed with my friend Naveed Siddiqui. It's just one of those songs that I'm very close to. It's like I said, they're all songs are like my children. I'm very, very close to them. If the other songs are hearing me right now, if they have a life, I'm not picking any of you guys. But at this present time, I would say the song called Bekarar. It's one of those songs that it has a very mellow side to it. When it's performed live, it's always one of them that has engaged the most audience. So I think jo gaana maine sabse zyada expose kiya hai towards my audience, it has been Bekarar, and the reception has been just phenomenal. तो बेकरार सुनने के लिए हम सब भी बहुत बेकरार okay. और मैं चाहती हूँ कि आप हमें वो सॉन्ग सुनाएं भी. Sure. तो हम देखते हैं कि आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं कैराब्रम में भी, क्योंकि जिस तरह आपने पहले परफॉर्म किया बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म किया था, तो इस बार भी हम जरा सुनना चाहते हैं और अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहते हैं Absolutely. आपकी आवाज में बेकरार. Absolutely. We at Albarca Travel are passionate about our clients' entire journey, from dream to experience to memory. We are not only the number one Umrah agent in Canada, but also guarantee the cheapest airfare to Pakistan, India, Middle East, and Europe. Albarca Travel, combining your ideas with its experience and expertise to deliver you the most enjoyable travel experience and vacation packages possible. Get in touch at 905-232-6566. Albarca Travel. Explore the world with us. Farahan, an exclusive multi-designer studio specialized in wedding planning services, bridal wear, casual party wear, jewelry, shoes, purses, dupattas, men's and kids' clothes. You name it, we have it. Some of the Pakistani designer labels we carry are Zaini K, Agha Noor, Sana Safinaz, Anas Abrar, Zainab Chutani, Wahaj Khan, Fatma Khan, and many more. Farahan, sheer elegance. We believe in quality service and best price. You can contact 9075 Derry Road West, Unit No. 1, Milton, Ontario.
चॉकलेट चिप कुकी अली सिर्फ कुकी दूंगा चॉकलेट चिप नहीं दूंगा इसमें तो बहुत सारे चॉकलेट चिप हैं एक सेकंड देता हूँ अभी भी बहुत है अब अली बेचारा क्या करे जब नए बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकी में है बहुत ज्यादा चॉकलेट चिप्स ऊपर भी चॉकलेट अंदर भी चॉकलेट बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज बहुत 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 चॉकलेटी हर खुशी बिस्कॉनी ओके तो आप हमें बता रहे थे कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है बेकरार करंटली All are my favorites and I hope they're all favorite of yours. Okay, so currently the favorite song is Bekarar, jisko hum sunne ke liye bahut hi bekarar hain aur hum aapse thodi si request karenge ki hum sabko bekarar suna dein. Okay, I would love to do that and let me get something to back my sure. my voice up with and everything. Okay, so again song is called Bekarar and one of the reasons why it's my favorite is because of the reception it's received. And the love is received. So hopefully the audience of NJ Digital and Mariam show here, face to face with Mariam. We hope you welcome this song in your heart and we bekar about it. So here we go. Aagosh mein mere rehna वो वक्त का वहीं रुकना आगोश में मेरे रहना वो वक्त का वहीं रुकना वो असर वो समाहब ना रहा ओ हम सफर तू कहाँ है खो गया बेकरार बेकरार दिल तेरी याद में क्यों एक बार कदम ये ना रुके पर इंतजार इंतजार रहेगा अब इन आँखों को तेरा तेरा बेकरार बेकरार दिल तेरी याद में क्यों एक बार कदम ये ना रुके पर इंतजार इंतजार रहेगा बिन आँखों को तेरा तेरा बेकरार Baki full song ke liye puri you know purchase the album just kidding I hope you all enjoyed it amazing thank you for the opportunity beautiful voice and you're a guitarist as well thank you for the opportunity chala ki aap itne amazing guitarist hain thank you very much bahut hi acha laga bekarar sunke aur ab hum sab Kara Bram mein aapko bahut enjoy karne wale hain aapke music ko aur mujhe batayenge bekarar song aapne khud likha hai it was me along with one of my closest friends Naveed Siddiqui and again it was one of those things ke hamare dimag mein tune thi to for me how my music works is कुछ लोग लिरिक्स लिखते हैं और फिर म्यूजिक लिखते हैं मेरा माइंड डिफरेंट चलता है एक धुन जैसे दिमाग में आती है एक 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 सुर आता है जैसे ना 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 समथिंग लाइक दैट तो मी एंड माय फ्रेंड वी वर सिटिंग वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू नो कि यार क्या होना चाहिए फिर एक वर्ड क्या आ रहा है इस म्यूजिक पे एंड एवरीथिंग आई थिंक द फर्स्ट लिरिक ऑफ द सॉन्ग वॉज एक्चुअली बेकरार एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट लव दिस सॉन्ग इट वाज थैंक यू वेरी वेरी मच Love this song. And we actually, believe it or not, and again, there have been days with certain songs which I've spent months. We wrapped the song in, we started at 3, and I swear to God, no lies on this. I think by 5:36, we had our first song complete. So that's why it's memorable to me in that sense that I think jab vibes sab achhi connect ho rahi ho, to everything works out. So I'm very, very blessed. And again, the reception that I've received and the opportunity that I've received and on Kara Bram as well, you know, we will be definitely performing this song along with one of our focus for Kara Bram is because we have past, we have present and we have the future. So present ke gaane to sab sunte rehte hain, you know, har jagah play hote rehte hain, you know, amazing places like Oak Studio and all, they play things. So our focus will be to go a little bit in past, a little bit of a time travel. So you're gonna hear a lot of, you know, Vital Signs, Junaid Jamshed, Junoon,
And we're going to look at some songs like the songs that I have and my fellow artist who will be joining me as well. Oh, nice. We're going to do some songs which the audience have not heard yet. So hopefully, wo future kal ko 10 saal baad ek pass ban jayega. So that's our focus right now. And I'm pretty much sure ke bahut hi zabardast aap perform karne wale hain Carabram mein, kyunki abhi jo maine aapka live music suna hai uska to bahut maza aaya hai. Aur recording ki to jo bhi hai baat hai, lekin jab live sunne ka jo maza aata hai na, wo mera khayal hai recording ka. I hope you have an and means a lot. Thank you. You are most welcome. Aur iske alawa mujhe bataein ki aapka favorite singer kaun hai. I have favorite songs, so not particularly a favorite singer, except my idol always been Junaid Jamshed, hands down. I had the opportunity to meet him, but I've seen him in shows. But we had friends jo kehte the backstage aa jao yahan milo, but mera hamesha wish thi ke the day I meet him would be, hey, I'm a singer as well. I'm the you know, this is my album, and you know, this is what you've done. So I think his music in very early childhood, when I was listening to that music as well, and it's not just the singer, the voice. Kabhi kabhar aap koi logon ko sunte ho, and you understand what they're expressing, what their emotion is. He may not have been the best singer, because again, when we say singer, there's a lot of different layers. But as an artist, as a true person, as his music, the feeling that you get, mujhe sabse zyada Junaid Jamshed sahi thi, and that to me is my when I did my music, I got a lot of people saying that, hey, you know what, your style is like Junaid Jamshed. I think the moment I wanted to hear that the most, but the moment I heard that, that's the time I knew, okay, I heard that, now it's time to create my brand, or right, at least start and embark on my own journey. और ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको जो सिंगर पसंद है और लोग आपको बोले कि आप वैसा कर रहे हैं काम वैसा कर रहे हैं not like him, he's there, I'm where, like, and it's just what I'm trying to say is basically, don't get me wrong, कि I'm saying कि मेरा म्यूजिक उसकी तरह है, but my style or the feel, the approach I want to is basically in that same direction, very same nice, world. Very nice. बहुत अच्छी बात है. तो मुझे बताएं कि आप अपनी ये जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है इधर कनाडा में, इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? Well, unfortunately, my industry hai nahi. Well, there is, and we've always lacked that. And I think Pakistanis themselves are the most talented, amazingly talented people. But I think we're so competitive. When we look at our neighbors, I think one of the best things about them is their unity. Yeah. We talk unity. We talk unity a lot in words, in songs, and lyrics. But when it actually comes to unity, we're not there. So we're so talented that we're competitive, and we're so fiercely competitive that we're like each other compete kar rahe hote hain. So uski aur aapki industry jab tak nahi banegi, jab tak ek unity nahi hogi. So I think there's amazing artists in Canada. There's a lot of musicians, a lot of singers. तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब यहाँ पे इतने ज़्यादा talented लोग हैं, तो हम हमेशा पाकिस्तान को क्यों like वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से बुलाते हैं, यहाँ के क्यों नहीं singers निकल पा रहे? It's because दोनों ends से, क्योंकि एक चीज़ है कि हम लोग on one end where you have and again and it's a request to realtors and a lot of people who put on shows in really really good places on a high level, do halal fest, Muslim fest, yes, fest, you know, we do a lot of these things, but we rely so much on the success of the show. Because again, and I mean this with respect, I come from the mortgage world myself, I'm a mortgage specialist. Okay, it's not, we may label it as Pakistani, but at the end there's always this, there's a business reason behind that. So jo bhi banda agar investment kar raha hoga, he wants to make a safe investment. So when he wants to make a safe investment, then he would rely on somebody who's already an established singer. It makes all sense, though. That's right. They're not going to take a chance on someone, put them on stage, and the audience doesn't come, their show flops, their money is involved. So I understand where they're coming from, but I think if we somehow meet halfway, where we are, and again, places like this channel itself, and I give a lot of applause and a lot of respect to NJR Digital for giving us that opportunity. Individuals like yourself, okay, you know, just take interest, not in just because it doesn't matter where I came from right now, it doesn't matter who I was, doesn't matter ke main kitne time se music karta hu, meri kya inspiration thi. Listen to the songs, because it's about time the next breed, the next generation should come. And Imran said ke you know, Canada is that industry for films. I really believe that.
And I want ke and music ke liye bhi, Canada will be Pakistani's music hub. There's so many talents. There's certain people and certain groups, certain organizations, certain companies such as Magnetism Arts. Saad Arif is a very popular name here. They are taking the initiatives to bring on these talent, introduce them, take interest, come out, support. I know it's we're always used to. जो एक आदत जिसकी होती है 100% मेरी भी आदत होती है आपकी भी आदत किन चीज़ों पे होती है लेकिन थोड़ा आदत से निकलना पड़ेगा नो पन इंटेंडेड ऑन द सॉन्ग बाय द वे थोड़ा आदत से बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरे गानों की भी आदत लगाएं हम जब तक नहीं तो आई थिंक इट विल बी अ प्रोग्रेस फॉर अस ऑल टुगेदर एज अ यूनिटी वी कैन स्टिल बी इंडिविजुअल्स बट राइट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी ब्रिंग एन इनफ्लक्स ऑफ न्यू म्यूजिक देयर्स पॉप म्यूजिक देयर्स रैप म्यूजिक देयर्स हिप हॉप म्यूजिक एंड देयर ऑल हियर देयर ऑल स्कैटर्ड आई थिंक वंस We do something, and I spoke with Imran Bhai as well, okay, down the road, and hopefully with you guys as well. We'll bring about a platform where we bring pretty much not artists, but different styles of music, of Pakistan music. There's a lot of things that we can do, and we just bring them all in under one roof. बिल्कुल तो आपके ख्याल में यहाँ पे platform है इस चीज का? Crowd है, लोग हैं, energy है. We're all scattered. So, platform aata hai jahan crowd hoti hai aur jahan talent hota hai. Platform can be here. Platform, I think, if you're a good musician and if aapki audience engage hai, your platform can be outside the TTC subway. You can create your platform there. So, there koi koi platform is again just the place where you are able to stand and create your recognition. People want to hear you. They want to come out and see you. So, we have both. We have the audience. We have the singers. Again, not for myself, but it takes a lot of guts. So I always encourage people, do cover songs, but sneak in your own songs as well. Do your own compositions. Take that opportunity. Take that chance. I don't know mere sath abhi kya hone wala hai aage, because I haven't come to the other side of success. But if you're doing for if you're doing, as my uncle, who's actually a professional musician, his name is Khalid Salim. He's a ghazal singer. Oh, nice. He gave me one line which. It clicked in my head that you need to do music not for anybody, but first for yourself. So I think when you do music for yourself and you enjoy it, I think normally aapko dusre log gravitate karte hain. They want to know more. They want to hear more. So I think I encourage singers, artists here, do covers, bring out your original, push. Don't be discouraged. And it's a plea to all the realtors and these big shots. You are amazing people. But give the opportunity to us as well. Give us a little bit of a, you know, maybe like an intro push. You can have your top musicians on top, but give us the opportunity, because again, it's our blessings from our side, our thank you from our side, which will, again, because we want to be the next generation. You know, there's only so much we can do. So, you know. Right. So, abhi hamari Mr. Ali Noor ke saath bahut hi achhi gupchup hui hai jo aap sab ne suni hai aur hame bahut acha laga aapke saath baatcheet karke aapka song sunke. To abhi hum ek short break lete hain aur break ke baad hum dobara milte hain. Main hu Jahangir Khan, squash court ka champion. लेकिन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का चैंपियन मोहम्मद कामरान हुसैन मुझे उन पर यकीन है आप भी करके देखिए जहांगीर खान और हजारों क्लाइंट्स का चहेता मोहम्मद कामरान हुसैन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सही मशवरा सही फैसला मकान जिसे आप अपना घर कहने में फख्र महसूस करेंगे मोहम्मद कामरान हुसैन 4163185264 This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, especially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing, offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca rang wali bharam wali news wale views wale mail wale karachi wale khaybar wale lahar wale pindi wale in short pure pakistan wale billi billi
आज हम लोगों ने बहुत बातचीत कर ली है मिस्टर इमरान नूर के साथ और मिस्टर अली नूर के साथ. अब टाइम है इनको थोड़ा सा फंसाने का रैपिड फायर में. आर यू गाइस रेडी? Bring it on. Yes, I do. Okay. Imran bhai? Okay. Sure. Okay. So, rapid fire means rapid fire. Isme koi bhi bahut zyada lambe answers nahi honge. Okay? Thin. Got it? Okay. So, first, I'm going to ask you, Mr. Ali Noor. Inspiration. Junaid Jamshed. Inspiration. Imran Khan. Perfect. Regret. No. Ooh. Oh, my God. Regret being asked this question. Maybe not going into music as my studies. Oh. Not taking music as my studies. Okay. So, regret? Supported Nawaz Sharif at one time. Huge respect. Don't let my mom hear you. That's all I'm going to say. So, happiness? Family? Happiness? Music. Okay. Perfect. Most ridiculous song? Oh, God. I was going to say Eye to Eye, but even that's a better song. But sorry for anybody. Rush Ke Kamar. I can... Oh, really? If that song had a life, I could... Yeah, I cannot stand that song. Due respect to whoever sings, plays, yeah I'd say that. We have to admit those. Yeah, right. So, one person you want to meet in film industry? I have to say Sylvester Stallone. Big fan of Rocky, the movie, growing up, and very inspired from childhood. Another inspiration, though. Yeah, Sylvester Stallone. Okay, you answer? Amir Khan, always. Amir Khan. Yes. Very nice. तो आप लोगों ने rapid fire के answers तो बहुत अच्छे दिए हैं. तो अब मुझे बताएं कि आप दोनों इकट्ठे कैराब्रम में होंगे, right? तो अब आप ये सोचें कि यहाँ पे इतना मजा आ रहा है कैराब्रम के बारे में बात करके, तो वहाँ पे जब ये परफॉर्म, I know, I'm just doing some magic tricks. चाय वहाँ ही है और कुछ नहीं हुआ. Disappear भी हो गई. एक घूंट पे पी ली मेरे गर्म चाय. But आपने खत्म कर दिया. खत्म कर दिया. मिस्टर इमरान को क्या देंगे? There's another cup right there. I think Mercy, you have. Oh, but we can get that's that. My girl. That's my girl. We'll get you. Mr. Imran, we'll give you a very good thing, inshallah. So, मुझे बताएं कि जो कैराब्रम है, वहाँ पे आप singing कर रहे हैं, आप वहाँ पे सारा organize वगैरह सब चल रहा है आपका. तो अभी इसके बाद भी आपका कोई project, जैसे आपकी album आ रही है, तो आपका like क्या project होगा? आज शाम को है अली इनके band इनके friends के साथ हमारी ईद मिलन पार्टी है कश्मीर की, और वहाँ पे प्रेजिडेंट कश्मीर हैं वहाँ पे, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, पूरी कम्युनिटी है, और ये लोग हैं इनका बैंड है. तो या But but again for कैराब्रम it's not about singing. I think जो हम सबकी एनर्जी होगी के That's to entertain and just be entertained. True. Come on, you know. Exactly. Just to go for like Pakistan, not for anything else. Because Pakistan ke liye sab kuch Pakistan ko present kar rahe hain. Pehli dafa kar rahe hain. Brandon mein kar rahe hain. Canada mein kar rahe hain. Perfect. Mashallah. To mujhe bataye ki aaj aap raat ko kaun sa song play karne wale hain jo hum pehle hi sun le. We haven't decided yet though, but I think one of the songs that you know Imran wants to sing, so I'll be reducing and muting my vocals on it a little bit. I don't know, since he's a singer and he thinks I can do that with him. So, this is for your PDI, right? Okay. Sure. Again, don't let my mom know that I am saying she's a Nawaz Sharif supporter. So, iske baad mom coming, we are coming after this. Okay, so one of the classics. है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा. Very nice. Thank you. Thank you. और पाकिस्तान है हमारा, बहुत अच्छा आपने एंड पे खत्म किया है पाकिस्तान है हमारा करके. और हम सब पाकिस्तान है हमारा. तो आज रात को अभी मुझे पता चला कि आप भी इनके साथ सिंगिंग करेंगे.
अगर मुझे अलाउ करेंगे सिंस इज अ लीड सिंगर मैं आ जा रहा हूं तो अभी सब कुछ पता चल रहा है इन द प्रोसेस आपके दिस इज ऑल फेस टू फेस विद मरियम दिस इज व्हाट यू गेट एग्जैक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे फेस टू फेस पता चला कि आई एम गोइंग विद हिम एंड सो अभी रास्ते में आई थिंक वी विल मेक आवर ओन स्केड्यूल वेरी नाइस मेक आवर ओन आप दोनों ने मिलके जो हमें सुनाया पाकिस्तान है हमारा वो बहुत ही अमेजिंग था थैंक यू सो मच नाइस ओह थैंक यू वेरी मच अप्रिशिएट इट तो व्यूअर्स इसके साथ हम आज का अपना शो खत्म करते हैं तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं मिस्टर अली नूर एंड मिस्टर इमरान नूर के साथ तो आप सब कैराब्रम में हम सबको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा सो सी यू देयर टेक केयर अल्लाह हाफिज़